बेबी, आज मैं पहली बार तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। आखी प्लीज, आज मेरी छुट्टी का दिन है, प्लीज इसे बर्बाद मत करना, मुझे थोड़ा आराम करने दो। आराम करते करते मेरी बात तो सुन लो। ओ प्लीज, कहीं बाहर जाने की ख्वाहिश जाहिर मत करना। तुम मुझे इतना घटिया ख्वाहिशात करने वाला इंसान समझती हो? आज तक तो ऐसी ही ख्वाहिशात रखते चले आए हो तुम। बेबी मैं चाहता हूँ हम लोग अपना फ्लैट खरीदे, कब तक अम्मी के घर पे रहेंगे? अक्की, तुम वाकई फ्लैट खरीदना चाह रहे हो? हाँ बेबी, मैं अपने ख्वाबों का फ्लैट जिसमें दो बेडरूम हो। तो क्यों? अम्मी और स्वीट भी तो रहने आए करेंगे ना। हाँ, एक खूबसूरत सा लाउंज, ड्राइंग रूम, बालकनी जिसमें बैठ के हम चाय पिया करेंगे और सामने हमारे समंदर होगा। अक्की, तुम ये फ्लैट जल्दी खरीद सकते हो? अरे मिनटों में खरीद सकता हूँ, बस तुम लोन के लिए अप्लाई तो करो। मैं लोन के लिए क्यों अप्लाई करूँ? उन्हीं पैसों से तो फ्लैट खरीदेंगे ना बेबी। घटिया आदमी, मुझे लगा फ्लैट तुम खरीद रहे हो मेरे लिए। हाँ तो फ्लैट तो मैं ही खरीदूंगा ना, मैं ही तो स्टेट एजेंट के पास जाऊंगा, गली गली घूमूंगा, सारी ख्वारियां काटूंगा और फिर उस फ्लैट को सजाऊंगा और तुम्हारे आगे आके पेश करूंगा। तुमने तो बस लोन लेना। अक्की, इस वक्त कमरे से बाहर चले जाओ। तुम लोन की बात अपने बॉस से अकेले में करना चाह रही हो? शट अप, गेट आउट। ओके बेबी, तुम एक दफा सोचो तो। गेट आउट। अगर मेरी गैर मौजूदगी में बॉस का फोन है तो उनसे लोन की बात जरूर करना। अक्की, मुझे अब तुम्हारी सूरत नहीं देखनी। बेबी जरूरत भी नहीं है, इस वक्त तो तुम्हें अपने बॉस की गोल गोल प्यारी प्यारी शक्ल देखनी चाहिए। बोलो तो मैं तुम्हें उनके घर ले जाता हूँ। गेट आउट। ओके बेबी। ओए ओए ओए, क्या मोहल्ले के किसी बच्चे ने तुझे फाइट के लिए चैलेंज तो नहीं कर दिया? मोहल्ले के सारे बदमाश मुझसे डरते हैं। हाँ, छूत की बीमारी से कौन नहीं डरता। चलो इन डंबल्स को अपने शोल्डर पे रखो और जाओ यहाँ से। किस खुशी में? अपने मर्द बनने की खुशी में भाई। अकेले बैठ के मुझे यहाँ सोचना है कुछ। ये काम तुम बाथरूम में जाके भी कर सकते। मैं आइडिया सोच रहा हूँ बेवकूफ इंसान, जितना अच्छा माहौल होगा उतना अच्छा आइडिया आएगा। तुम मम्मी से जलील होने का नया तरीका सोचना चाहते हो या वर्दा से नई नई गालियां सुनने का कोर्स करना चाहते हो? देख मेरा टाइम जाया मत कर, निकल यहाँ से। मेरे डंबल तो वापस कर दो यार। मैं सोच रहा हूँ अगर एक्सरसाइज करते हुए सोचूंगा तो जरा ज्यादा ताकतवर आइडिया आएगा। किस चीज का? अपने ख्वाबों को पूरा करने का। तुमने क्या आधा ख्वाब देखा था? चलो बाकी कल रात देख लेना। अबे जाओ ना, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाओ। दो टके की औकात नहीं है, कॉफी पियेंगे। एक बार एक बार, मैं अभी अम्मी को जाके बोलता हूँ कि तुम लॉन में आके गंदी गंदी बातें सोचते हो, मैं जब तुमसे पूछते हो तुम बताते नहीं हो। सुई, मैंने कब गंदी गंदी बातें? मैं नहीं सोचता। अभी सोचिए, देखो जब ही हक ला रहे हो। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। गंदी गंदी बातें। वो घटिया आदमी लॉन में पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। कौन घटिया आदमी? तुम्हारे पापा? पापा के अलावा भी इस दुनिया में बहुत से घटिया लोग हैं। अच्छा तो तुम्हारा इशारा अपनी तरफ है ना? मेरा इशारा अक्की की तरफ है। अक्की? वो तो मलंग फकीर आदमी, उसने क्या किया? हमें लूटने का मंसूबा तो सोच सकता है ना। ओहो, अक्की हमें क्यों लूटेगा? क्योंकि हमने उस पे इतने जुल्म जो किए हैं। वैसे अक्की सोचते हुए कैसा लगता होगा? तुम्हें तस्वीर तो खींचनी चाहिए थी उसकी। उसकी तस्वीर खींच के ना मुझे अपना मोबाइल गंदा नहीं करना। अच्छा, लाओ जरा दिखाओ अपना फोन, मैं देखूं कितना साफ सुथरा मोबाइल है तुम्हारा। नहीं नहीं, इसमें कुछ प्राइवेट चीज है। अरे भाई माँ से कैसी प्राइवेसी, लाओ दिखाओ। अरे वो घर लूटने का मंसूबा बना रहे हो और आप मेरे मोबाइल के पीछे पड़ी हुई है? सारी रात लड़कियों से चैटिंग करते हो, फिर सुबह डिलीट कर देते हो, सब जानती हूँ तुम्हें मैं। अरे आप अक्की के बारे में क्यों नहीं सोच रही, मेरे बारे में क्यों सोच रही है? क्योंकि मैं अक्की की नहीं तुम्हारी माँ हूँ। लाओ दिखाओ मोबाइल। वो घर साफ करके चले जाएगा और आप मेरे मोबाइल के पीछे पड़ी रहेंगी। अरे घर साफ करेगा तो उसका काम है घर साफ करना, घर जमाई किस लिए रखा है उसे? हाँ अच्छा, लाओ फोन, बंद हो गया है। अम्मी के दिल का रास्ता उनके पेट से है। ऐसा लजीज खाना बनाऊंगा आज कि अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगी। आकी, तुम बताना पसंद करोगे कि क्या घटिया बातें सोच रहे थे तुम? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं घटिया नहीं हूँ वैसे। नहीं नहीं, तुम घटिया नहीं हो, तुम्हारी हरकतें घटिया हैं, उनके बारे में सोच रहा था। गलती हो गई जो मैंने आज तक तुम्हें इतनी रियायत दी है। अच्छा, ये रियायत इतनी घटिया थी? तो दुश्मनी में तो तुम बिल्कुल नीच और ओछी हरकतों पे उतर आते होगे। मैंने अम्मी को बता दिया कि तुम घर लूटने का मंसूबा बना रहे हो। लेकिन तुम ये नहीं बता रहे कि उन्होंने माँ से तुम्हें जलील करके बाहर निकाल दिया। नहीं तो? हाँ, तुम्हें जलील किया और मेरी तारीफें की। एक दफा पता चल जाए कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है फिर देखना तुम। मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक चीज चल रही है बस। क्या? एक कीड़ा। कीड़ा? स्वीट नाम का एक कीड़ा है, बस उसको मैं अपने दिमाग से निकाल के कुचलना चाहता हूँ। तो भाई जरा ख्याल से। हाँ हाँ हाँ, बहुत ख्याल से कुचलूंगा, बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगा, बल्कि इस छुरी से ही काटूंगा। पागल इंसान, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और मैं अभी वर्दा को जाके बता दूँ कि तुम घर लूटने की प्लानिंग कर रहे हो। और ये भी जाके बता देना कि मैं तुम्हारा कत्ल करने वाला हूँ। एक मिनट एक मिनट, वो देख चूल्हा जल रहा है। घर जमाई हो गया। चूल्हा? बेबी,
अक्की, तुम सही कह रही थी, मुझे फ्लैट अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए। लेकिन तुम कैसे फ्लैट खरीदोगे, तुम तो कोई जॉब ही नहीं करते। अरे इक्तदार अली खान जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुआ। हाँ हाँ, वो तो घर का मुलाजिम बनने के लिए पैदा हुआ है। मैं इस घर का घर दामाद हूँ। कोई ये नहीं समझता, यही तो मसला है। बेबी मैं ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा हूँ, वरना क्या कर लेते। बिजनेस? बिजनेस? हाँ हाँ वरदा, मैंने बिजनेस करने का सोचा है, जिससे मैं पैसे कमाऊंगा और अब फ्लैट नहीं 500 गज का घर खरीदूंगा। आपकी है ना तुमने गैरतमंदों वाली बात, आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो बेबी फिर अप्लाई कर दो ना। वीजा? तुम मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हो? अरे पगली, लोन अप्लाई कर दो। वो किस लिए? अरे बिजनेस के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। अच्छा, तो तुम मेरे ही पैसों से बिजनेस करोगे और मेरे ही पैसों से फ्लैट खरीदोगे? अरे बिल्कुल ठीक समझी, बहुत अकलमंद हो गई हो। लेकिन तुम मुझे बहुत बेवकूफ समझते हो। निकल जाओ मेरे कमरे से। अरे बेबी ये तो पूछ लो कि लोन से मैं बिजनेस कौन सा करूंगा। बाहर निकलो अक्की। बेबी अगर तुम्हें अपने बॉस से बात करने में शर्म आ रही है तो उस काले भैंसे से मैं बात कर लेता हूँ, इजाजत है? अक्की दफा हो जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया। क्या ये जिल्लत और रुसवाई, इससे पहले तुम मुझे अपने कमरे से निकालो मैं खुद चला जाता हूँ। ओके ओके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चेहरे से नूर टपक रहा है, सारा घर रोशन कर दिया आपके नूर ने। नेक लोगों के चेहरों से नूर ही टपका करता है बेटा। तभी मैं कहूँ स्वीट के चेहरे से फिटकार क्यों टपकती है। बिल्कुल पापा पे गया है ना। पापा पे? लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता है? पापा भी निकम्मे थे, स्वीट भी निकम्मा है। पापा भी आपके टुकड़ों पे पलते थे, स्वीट भी आपके टुकड़ों पे पलता है। वैसे बेटा आज सुबह सुबह तो मुझे बहुत खुश कर रहे हो। अम्मी जान वैसे मैं आपसे एक मशवरा करने आया हूँ। हाँ हाँ पूछो बेटा। अम्मी मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। कौन सा? देखिए अम्मी, अंडे खरीदने में कितने सस्ते होते, मैं हजारों अंडे खरीदूंगा, उनमें से लाखों चूजे निकलेंगे, फिर मैं उन चूजों को पालूंगा, वो करोड़ों मुर्गियां बन जाएंगी, उन मुर्गियों को मैं 400-400 रुपए का बेचूंगा, दाना भी मैं ही डालूंगा, फिर एक अंडा 400 रुपए की मुर्गी, कैसा प्रॉफिट? आइडिया तो बहुत अच्छा है। बस तो मुझे ये बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितनी इन्वेस्टमेंट बेटा? ये कोई 2 लाख रुपए। तुम 2 लाख के अंडे खरीदोगे? अरे नहीं, उससे आपकी घर की छत पे पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा ना, बस 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, फिर जिंदगी भर का प्रॉफिट। फिर तो बेटा तुम 2 लाख मुझसे भी ले सकते हो, लेकिन मुझे 100% प्रॉफिट चाहिए। हाँ क्या क्या क्या, इस घटिया आदमी को किस खुशी में 2 लाख रुपए दे रही है? ओ देखिए अम्मी, देखिए देखिए, बिल्कुल पापा वाला घटियापन टपक रहा है इसकी शक्ल से। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना? घटिया आदमी, तुम मेरी माँ को क्या पटिया पढ़ा रहे हो? अम्मी आप इसकी बातों में मत आएगा, ये आपको बैठे बैठे लूट लेगा। स्वीट, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? हॉलैंड से मैंने अपने दोस्त से मंगवाया नहीं, फ्री में मिला होगा तुम्हें। चलो देखे तो सही क्या लाया तुम। 2 लाख के हो जाएंगे 4 लाख। देखो सुनो, हम कुछ ही दिनों में करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन पहले मेरा गिफ्ट। गरीबों, पहले हम एक पोल्ट्री फार्म लेंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अरे बस, पहले मेरा गिफ्ट। ओए भिखारी, जब हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे फिर हम पता क्या करेंगे? अब बैंक पे रख देंगे। ए, छोटी सोच, घूमने बाहर जाएंगे, बाहर। घर से बाहर? अबे नहीं यार, शहर से बाहर। नहीं तो क्या, मुल्क से बाहर? हाँ, और वो भी थाईलैंड जाएंगे। थाईलैंड, जहाँ पर डिज्नी खुला है। ओए जाहिल इंसान, वो हांगकांग में खुला है, लेकिन फिर भी फिकर ना कर, मैं तुझे थाईलैंड वाले डिज्नीलैंड लेके जाऊंगा। अच्छा अक्की भाई, मेरा ऑफिस तो अलग होगा ना? अबे ऑफिस क्या, तेरी पर्सनल सेक्रेटरी भी अलग होगी। अल्लाह, चल चल चल, मैं अभी आपको अम्मी से पैसे दिलवाता हूँ। अम्मी अब आप आंखें बंद करके अक्की भाई को पैसे दे सकती हैं। अक्की भाई? अम्मी स्वीट आपको आंखें बंद करने को कह रहा है, आपकी आंखें के खुले जा रही हैं। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फिर मैं अक्की भाई का 50% पार्टनर। वाह 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 वाह, यानी पैसे हम लगाएं और पार्टनर तुम बनो। अम्मी जान आप तो स्लीपिंग पार्टनर होंगी ना। स्लीपिंग पार्टनर, ये क्या बला है भाई? बस आप आंखें बंद करके सोती रहिएगा। तुम मुझे आंखें बंद करने पे क्यों मजबूर कर रहे हो? क्योंकि आपकी आंखें बंद करते ही सब कुछ स्वीट का हो जाएगा। आंखें बंद होने का मतलब वैसे भी मैं जानती हूँ। भाई जब जानती है तो बात को इतना आगे क्यों बढ़ा रही है? चाहिए जाइए पैसे निकालें। तुम दोनों कमरे से बाहर जाओ पहले। हम आंखें बंद कर लेते। नहीं नहीं, तुम लोग बेईमानी करोगे। चलिए ना यार, आपको अपने बेटे पे भी एतबार नहीं है। तुम मेरे पैसे चोरी कर लोगे, जानती हूँ, अपने बाप पे गए। अब तुम्हें चोरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, अब तो तुम करोड़पति हो गए हो। करोड़पति? अम्मी आप आराम से पैसे निकाले, मैं इसको बातों में लगाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कमरे से बाहर जाओ। ठीक है ठीक है, चल चल। दरवाजा बंद। इधर चल, अब काम की बात करते हैं।
घर के काम? नहीं भाई, मैं इसमें आपका पार्टनर नहीं हूँ। अरे मैं बिजनेस के काम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें अभी तक आपने सोचा ही नहीं? अबे सोचा तो है। तुम ऐसा करो, मोहल्ले में जो अंडे बेचता है ना, उसको पकड़ के ले। आप उससे अंडे खरीद के चूजे निकालेंगे? नहीं, हाथी निकालूंगा। अंडे में से हाथी निकलेगा? जैसे पहाड़ में से चूहा और टोपी में से कबूतर, वैसे अंडे से हाथी क्यों नहीं निकल सकता? हाँ निकल तो सकता है, लेकिन ऐसी बातें करने वाले को ना कहते हैं। अरे मैंने अंडे वाले से पूछने के, वो अंडे लेता किससे? क्यों, अंडों की शिकायत करनी है? नहीं, तुम्हारी शिकायत करनी है। मेरी शिकायत? मैं तो अंडे लाता ही नहीं हूँ। अरे खाते तो हो ना, बेचारी मुर्गियाँ परेशान होगी कि ऐसा कौन दियो आ गया जो एक बार में चार लोगों के अंडे खा जाता है। यार कारोबार की बातें करें, फालतू बातें मत करें। अबे तुमसे तो फालतू बातें ही करूंगा ना भाई। अच्छा और कारोबार की बातें किससे करेंगे? अंडे वाले से। तो करें ना। तुम बुलाओगे तो करूंगा ना, जाओ जल्दी से बुलाओ। ऐसे बोले ना कि अंडे वाले को बुलाना है, बिलावजह पहेलियां पूछवा रहे थे। अच्छा ना, अब तू जाना लेकर आओ उसे। जा जा, वरदा को खुशखबरी सुनाता हूँ। वरदा अक्की, प्लीज प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत करना, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि इक्तदार अली खान उर्फ अक्की उल्टी सीधी बातें करेगा? तो सुबह से तुम क्या कर रहे हो? सुबह से मैं अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्ली के ख्वाब में ना चीचड़े ही होते हैं। लेकिन तुम तो इंसान हो, तुम तो ख्वाब में अच्छी चीजें देखा करो यार। मैंने तुम्हारी बात की है बेबी, अब तो बस मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। मैं 500 गज का बंगला लूंगा और उसमें शिफ्ट होने वाला हूँ। क्या मतलब? अम्मी ने मेरे बिजनेस प्लान को अप्रूव कर दिया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वीट ऐसा होने ही नहीं देगा। स्वीट मेरा पार्टनर है। तुम बिजनेस कौन सा कर रहे हो? चिकी बिजनेस। कहीं अम्मी ने तुम्हें पैसे तो नहीं दे दिए? उनकी अलमारी से बाहर आ चुके हैं, अब बस मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहाँ जा रही हो बेबी? अम्मी के पास, उन्हें मना करने कि वो तुम्हें पैसे ना दें। प्लीज बेबी ऐसा मत करो। देखो मैं तुम्हारी कमाऊ बीवी हूँ, पूरे 4 लाख रुपए तनख्वाह है मेरी, अदब से मेरा रास्ता छोड़ दो। बेबी घर जुमाई हो गया, लगता है अंडे वाला आ गया। ओ पाईजान, रेट तो सबके एक ही हैं, अंडा छोटा हो या बड़ा। रेट सेम क्यों है? छोटे अंडे के तो रेट कम होने चाहिए। ओ जी, छोटा अंडा हो या बड़ा, निकलना तो उसमें से चूजा ही है ना। आप अंडे से चूजा निकालना भी जानते? वो पाई में जादूगर थोड़ी हूँ। तुम्हारा पोल्ट्री फॉर्म है ना भाई? ओ मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ी हूँ। अबे तू है कौन भाई? अंडे वाला। मुझे तो लगता है ये अंडे इसी के सर पे मार देने चाहिए। आप ये बताएं कि आपके पास ये अंडे आते कहाँ से? मुर्गियाँ देती हैं, मैं थोड़ी ना देता हूँ। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा पोल्ट्री फार्म नहीं है। पोल्ट्री फार्म नहीं है, अंडे तो मुर्गियाँ ही देती है ना। अबे तू ये किसको पकड़ के आ गया भाई? मैं से बात करता हूँ भाई, जो आपके अंडे सप्लाई करता है ना, तो आपका सप्लायर कौन है? इंसान है। आप, मैं इसको मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, एक मिनट भाई, उसका कोई नाम तो होगा, वो ही बता दो। अरे भाई तुम नाम पूछ के क्या करोगे? अपना पोल्ट्री फार्म घर पे खोलेंगे, इसलिए मशवरा चाहिए भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं भेज दूंगा आपके पास। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंदर वरदा अम्मी के कान भर रही होगी। किस चीज से? अपनी जहरीली बातों से और किससे? तो फिर जल्दी चले ना, क्या पता अम्मी दोबारा रख दे पैसे वापस अलमारी में। ओ पाईजन पाईजन, मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो, इस सवाल ने मेरी रातों की नींद आराम कर दी है। अब पूछो पूछो, जल्दी पूछो। ओ जी, पहले मुर्गी आई थी या अंडा? देखिए अम्मी, अक्की ने आज से पहले कभी बिजनेस नहीं किया। तो क्या हो गया बेटा, दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिंदगी में कहीं ना कहीं से तो उन्होंने स्टार्ट लिया होगा ना पहली बार। और वैसे भी वो स्वीट को भी अपने साथ लगा रहे हैं। स्वीट को? हम्म, इसका मतलब है बिजनेस डूबने के पूरे 200% चांसेस हैं। बेटा सीधा सीधा बिजनेस है, अंडे खरीदो, उसमें से चूजे निकालो, उसकी मुर्गियां बनाओ और बेचो। ये काम इतना आसान नहीं है बेटा, हर किसी को दूसरे का काम बहुत मुश्किल नजर आता है। लेकिन अम्मी, हमारे काम से आसान काम और कोई हो ही नहीं सकता। अरे यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस कूड़ मगज के दिमाग में कुछ पड़ ही नहीं रहा। मैं कूड़ मगज हूँ? वरना तो अक्की से शादी कैसे कर लेती? अक्की भाई? हाँ अक्की भाई से शादी करती। बेवकूफो, बिजनेस इस तरह से नहीं किया जाता। तो फिर उस तरह से करना चाहिए जिस तरह तुम्हारे बॉस करते हैं। सिवाय लॉस के और कुछ होता भी नहीं। 4 लाख तो सिर्फ वरदा को देते हैं, बेचारों को बचता क्या होगा? अम्मी मेरे बॉस करोड़ों का बिजनेस करते हैं। और अरबों का नुकसान? अरबों का नुकसान? अरबों के साथ बिजनेस करते हैं ना। ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत रोने वाले हो। पोल्ट्री वाला आ गया, पोल्ट्री। अम्मी जल्दी से पैसे देना, जल्दी से। ये लो बेटा 4 लाख मिलेंगे ना? अब मिलेंगे मिलेंगे, गिन लेना, हो सकता है कुछ ज्यादा निकल आए। चल चल, पैसे जाते हैं, यूं लगता मेरी जान भी जा रही है साहब। अरे मेरा नाम है हद्दू। हद्दू? हद्दू हद्दू मतलब हद पार करने वाला। अरे हाँ भाई, मैं तो सारी हदें ही पार कर चुका हूँ। इखलाक की? 2 नंबरी की। ओ भाई मैं 2 नंबर इंसान नहीं हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ और सीधा साधा कारोबार करता हूँ। तो हदे के अंडे खाने की पार करते हैं आप? ओ भाई काम की, मुझसे बड़े शहर में ना कोई अंडे और मुर्गी का व्यापारी नहीं है। वाह, आपने ये काम शुरू कैसे किया था? गुड क्वेश्चन। भाई अंडों से।
फिर तो भाई अंदर से चूजे निकला है। और फिर तो फिर जाहिर है भाई चूजे मुर्गी बन गए। और फिर ओ भाई दिमाग फिर गया तुम्हारा, फिर लगाई हुई है, बोलो काम क्या है। हम भी आपकी तरह अंडे और मुर्गियों का कारोबार करना चाहते हैं। ये तो भाई बड़ी बात है, पैसा कितना है आपके पास? अरे पैसा तो इतना है कि जितनी सोच भी नहीं आपकी। क्या 2-4 करोड़ रुपए लेके आयो? नहीं नहीं, फिलहाल उन्होंने 2 लाख रुपए दिए। अबे भाई 2 लाख में तो शेड भी नहीं बनेगा। हमारे घर के पीछे काफी बड़ा शेड है। ओ भाई मैं मुर्गी वाले शेड की बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम लोग ऐसा करो, पहले मेरे कारोबार में पैसे लगाओ। चूजे से मुर्गी बनने में 6 हफ्ते लगेंगे और तुम 6 हफ्ते के बाद 2 के 4 लाख ले लेना। 2 के 4 लाख 100% प्रॉफिट। अक्की भाई पैसे दे दे। भाईजान ये चूजे 6 के बजाय 4 हफ्ते में मुर्गी नहीं बन सकते, मेरा मतलब है महीने के महीने हिसाब हो जाएगा। अबे भाई जब तू बच्चा था तो बड़ा होने में कितना टाइम लगा, तो ये चूजा मुर्गी बनने में कितना टाइम लगेगा? अरे देर हो गई ना जाने दे, 1.5 महीने बहुत है। तो फिर ठीक है 1.5 महीने बाद में 2 के 4 यानी के 4 लाख रुपए लेके आता हूँ। ठीक है भाई। बेटा मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मुझे अक्की जैसा काम करने वाला और अच्छा घर जमाई मिला। अम्मी अक्की बहुत अच्छा है, लेकिन ये बिजनेस उसके बस की बात नहीं है। बेटा तुम जैसी बेवकूफ को अगर 4 लाख मिल सकते हैं तो उस जैसा जहीन सोचो कितना कमाएगा। वो भी स्वीट के साथ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बिजनेस शुरू हो गया और 1.5 महीने बाद हमें प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। 2 लाख के 4 लाख मिलेंगे अम्मी। 2 लाख के 4 लाख? तुम लोग तो कोई नया बिजनेस नहीं करने वाले थे? अरे क्या जरूरत है बखेड़ा पालने की भाई, जब 100% प्रॉफिट मिल रहा है घर बैठे, पर क्या जरूरत है भागम दौड़ी की। बेटा मैं तो कहती हूँ किसी तरह औने पौने करके 10 लाख ही ले लो मुझसे। 1.5 महीने बाद 20 लाख मिलेंगे। अम्मी क्या हो गया है, पागल तो नहीं हो गई आप? पता नहीं ये लोग किसको पैसे देके आ गए हैं। अम्मी वरदा चाहती नहीं है कि उसका शौहर अपने पैरों पे खड़ा हो। तो तुम क्या अभी स्वीट के पैरों पे खड़े हुए हो? तुम नहीं चाहती कि स्वीट की इज्जत माशरे में बहाल हो? क्या माशरे में मेरी इज्जत नहीं है कोई भी? बेटा गली के कुत्ते तक तो तुम पे भौंकना पसंद नहीं करते। अच्छा तो मतलब मुझे अगर इज्जत मिलेगी तो कुत्ते मुझ पे भौंकना शुरू हो जाएंगे। अब बेटा अक्की तुम उसे फौरन फोन करो और उससे कहो कि हम मजीद 10 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जी जी अम्मी अभी करता हूँ। स्वीट उस आदमी का नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ नंबर तो नहीं है उसका। कोई एड्रेस देके गया है? नहीं। लो हो गया बिजनेस। एक मिनट मैं अभी अंडे वाले को बुला के लाता हूँ, उसके पास उसका एड्रेस और नंबर जरूर होगा। शाबाश जल्दी जा स्वीट, तेरे जीजा की इज्जत दांव पे लगी हुई है। तेरी इज्जत की खैर है, मेरी माँ के 2 लाख रुपए। घर जमाई हो गया। तुम सिर्फ घर में बैठ के हांडी पका सकते हो, यही औकात है तुम्हारी। बेबी मैं तो तुम्हारे लिए 500 गज का मकान बनाना चाह रहा था। 500 गज का मकान? अंडे से चूजे निकाल रहे थे बेवकूफ, इतनी तो समझ है नहीं तुम्हें कि अंडे देने वाली मुर्गी कोई और होती है और खाने वाली मुर्गी कोई और। ये बाजार से मिलने वाले अंडों से चूजे नहीं निकलते। क्या 500 गज का मकान तो दूर, मुझे तो तुम्हारा इस घर में रहना भी मुश्किल लग रहा है। अरे बेबी तुम इक्तेदार अली खान को नहीं जानती? बहुत अच्छी तरह से जान रही हूँ, निहायत ही अहमक और घटिया इंसान हो तुम। किसी इंसान की बुराई उसके मुंह पर नहीं करनी चाहिए, बुरी बात होती है। पीठ पीछे करने वाली बुराई गीबत कहलाती है। फिर ठीक है मैं अपनी पीठ तुम्हारी तरफ कर लेता हूँ ताकि तुम्हें गीबत करने का गुनाह मिले। अभी तो अम्मी तुम्हें तुम्हारे गुनाह करने का ठीक सिला देंगी। इक्तेदार अली खान गलती कर सकता है, गुनाह नहीं। 2 लाख रुपए किसी ऐसे इंसान को दे देना जिसे आप जानते भी ना हो, ये गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा है अक्की। लेकिन मेरे नजदीक तो छोटी सी गलती है। अम्मी के नजदीक नहीं है छोटी सी गलती अक्की। आइंदा अगर तुमने कोई ख्वाब देखा ना तो क्या तुम ख्वाब में आके भी मुझसे लड़ोगी? ऐसे हो बड़ी लड़ाका तुम अक्की। लगता है स्वीट आ गया, चलो चलो चलो। जल्दी बताओ क्या हुआ, उसका नंबर शंबर पता चला? बताता हूँ बता दो इतनी जल्दी भी क्या है, और इतनी सी बात बताने में जबान घिस जाएगी तुम्हारी। अरे बैठने तो दे फिर बताऊंगा ना। हाँ क्या हुआ क्या हुआ स्वीट बताना। अरे बता ही तो नहीं रहा, इसकी जबान शल हो गई है शायद। बताने को कुछ होगा तो बताएगा ना। तो कोई दुकान ही नहीं है। क्या क्या मतलब, कहाँ से पकड़ के लाया था तू उसे? वो तो गली में साइकिल पे अंडे बेच रहा था। हाय मैं मर गई। नहीं नहीं अभी कहाँ मरी आप, अभी तो आप 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, अंडे खरीदें, मुर्गियाँ खरीदें, पोल्ट्री फार्म खरीदें। हेलो। ओ भाई मैं हद्दू बात कर रहा हूँ हद्दू, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है। पोल्ट्री फार्म वाले का फोन आ गया। ओ यार मैं तो ये चाह रहा था कि तुम जैसे 2-4 एमको का और नंबर मिल सकता है। ओ भाई जिनको ये भी नहीं पता कि लेयर मुर्गी कौन सी होती है और ब्रायलर मुर्गी कौन सी। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तूने इसलिए फोन किया? मैं तेरा नंबर ट्रेस करवाऊंगा। ये नंबर तो तेरा बाप भी नहीं ट्रेस कर सकता क्योंकि मैंने फोन करने के
दरवाजे से हम तोड़ देनी है। फिलहाल तू अपनी सास से मार खाने के लिए तैयार हो जा। क्या हुआ, वो हमारे पैसे वापस कर रहा है ना? ऐसा वैसे हो नहीं सकता। उसने जरूर ये कहा होगा पहले अपनी सास से पिटने के लिए तैयार हो जाओ, है ना की? अभी भी उसने बिल्कुल यही कहा है। और एक मजे की बात बताऊं, मैं बिल्कुल पिटने के लिए तैयार हूँ। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। ओके। मैं घर जमाई पड़ गई बुराई मिला सबक सबसे अनोखा सास की लात खाई तो समझ आई दिया सबने मुझको है धोखा। मैं घर जमाई पड़ गई बुराई मिला सबक सबसे अनोखा सास की लात खाई।